नई शुरुआत होगी। हाँ, निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ के युवाओं, महिलाओं, किसानों, गरीबों के आशाओं आकांक्षाओं को यह द्योतित करने वाला बजट होगा और साथ में छत्तीसगढ़ को भविष्य में एक नई ऊंचाई पर हम लेकर कैसे आएंगे उसका रोड मैप और विजन प्रस्तुत करने वाला भी बजट होगा। खासकर किसानों को ज़्यादा उम्मीद है इस बार वित्त मंत्री ओपी चौधरी से। हमारे तो अनुपूरक बजट में कल जो हमने प्रस्तुत किया उसमें कृषक उन्नति योजना की घोषणा हो गई है और उसमें 12,000 करोड़ रुपए का ऐतिहासिक प्रावधान किया गया है। आने वाले समय में भी किसानों, युवाओं, महिलाओं, गरीबों सबके हितों को ध्यान में रखते हुए यह हम अर्थव्यवस्था को छत्तीसगढ़ के रन करेंगे और विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ को एक नई ऊंचाई पर पहुंचाएंगे। आर्थिक सर्वेक्षण आपने प्रस्तुत किया है, काफ़ी कुछ चीज़ें कमी दिख रही है इसमें देश के मुकाबले। जो पिछला वर्ष था 2023-24 का, उसमें इकॉनमी साफ तौर पर स्लो डाउन हुई है। GSDP के हमारे छत्तीसगढ़ की ग्रोथ रेट 6.56% है, 6.56%, जबकि राष्ट्रीय औसत 7.32% का है, जो साफ तौर पर दर्शाता है कि पिछले 5 सालों में जो माफिया राज चला उसके कारण हमारे छत्तीसगढ़ की इकॉनमी राष्ट्रीय औसत से भी स्लो डाउन हो गई है, जो कि एक चिंता का विषय है। आने वाले समय में सुशासन के माध्यम से, टेक्नोलॉजी के माध्यम से, रिफॉर्म्स के माध्यम से हम फास्ट इकोनॉमिक ग्रोथ को सुनिश्चित करेंगे। धन्यवाद सर। तो छत्तीसगढ़ के बजट को लेकर लोगों को बेसब्री से इंतजार है और 9 फरवरी को छत्तीसगढ़ का बजट आएगा। वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने साफ कहा है कि लोगों की उम्मीदों के मुताबिक ही इस बार का जो बजट है वो तैयार किया गया है। कैमरा पर्सन DK सिन्हा के साथ श्रीकांत अदूसा।